नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग आइडियाज में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करने का मौसम होता है, परंतु किसी भी सब्जियों की खेती करने से पहले उसका स्वस्थ और रोग मुक्त नर्सरी तैयार करना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, ताकि आने वाले समय में हमारे फसल में हमको ज़्यादा बीमारियों का सामना करना ना पड़े और अच्छा पैदावार मिले। तो इस वीडियो में मैं आपको फूलगोभी की स्वस्थ हाईटेक और रोग मुक्त नर्सरी कैसे तैयार करें इसके बारे में A to Z जानकारी देने की भरपूर कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम ज़्यादातर रेज बेड में नर्सरी तैयार करते हैं, जिसमें हमको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम अगेती फूलगोभी की खेती करते हैं तो हमें अगस्त और सितंबर महीने में नर्सरी तैयार करना पड़ता है, जो कि बारिश का मौसम होता है। और आपको पता है कि बारिश के मौसम में ज़्यादातर डैम्पिंग ऑफ का समस्या दिखाई देता है, और ज़्यादा बारिश होने के कारण पूरा का पूरा नर्सरी सड़कर खराब हो जाता है, और इसमें खरपतवार का समस्या अलग से। और इसी समस्याओं से निपटने के लिए हम पोट ट्रे में कोकोपीट के सहारे नर्सरी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक अच्छे वैरायटी का बीज का चयन कर लेना चाहिए। आपके लोकल में जिस भी वैरायटी का खेती सबसे अच्छा होता है, उसी वैरायटी का ही बीज चयन करें। इसके बाद 98 KVT या 104 KVT का पोट ट्रे ले लीजिए, और साथ में अच्छे क्वालिटी का कोकोपीट ले लीजिए। एक पोट्रे का कीमत क्वालिटी के अनुसार 25 से 35 रुपये, और 5 किलो कोकोपीट ब्रिक्स का कीमत 250 से 300 रुपये में ऑनलाइन में मिल जाता है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसमें नर्सरी तैयार करने के लिए थोड़ा सा खर्चा उठाना पड़ता है, परंतु बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए ये सबसे बेस्ट है, और इसका बहुत सारा फायदा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। कोकोपीट को पानी में डुबोकर और इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें 10% तक सड़े हुए गोबर का खाद या फिर भर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। इससे ज़्यादा ना मिले, नहीं तो इसका जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। इसके बाद सभी ट्रे में हमको कोकोपीट फिलअप कर देना है, और एक ट्रे के ऊपर दूसरा ट्रे रख कर ऊपर से दबा देना है, ताकि हर ट्रे में होल क्रिएट हो जाए। इसके बाद हर कैविटी में हमें फूलगोभी का एक एक सीड डाल देना है, और उसके बाद कोकोपीट का मिक्सचर से इसको ढक देना है, बिल्कुल इस तरह। इसके पश्चात फवारे से पानी डालकर किसी ऐसे जगह में रखिए जहां पर डायरेक्ट सनलाइट गिरता हो, और इसके ऊपर जूट की बोरियां ढक दीजिए, ताकि जल्दी और अच्छे तरीके से इसमें से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए। 3 से 4 दिन बाद इसमें से जर्मिनेशन निकलना चालू हो जाता है, और कोकोपीट का फायदा यही है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रहता है, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम, और यही कारण है कि कोकोपीट में 90 से 95% तक जर्मिनेशन रेट मिलता है। दोस्तों, इसी अवस्था में हमें अगले 7 दिन तक केवल फवारे से सिंचाई करना है, उचित नमी बनाए रखने के लिए। इसके अलावा किसी भी तरह के केमिकल, फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है। 8वें दिन हम इसमें ट्रैकोडर्मा विराइडी या सीडोमोनास फ्लोरेंस बायोफंगिसाइड का प्रयोग करेंगे, जिससे कि इसमें लगने वाले डैम्पिंग अप और अन्य फंगस जनित बीमारी और बैक्टीरियल जनित बीमारियों की समस्या इसमें ना आए। नर्सरी के 9वें दिन में हम इसमें 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से ह्यूमिक एसिड और 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से NPK का घोल बनाकर नर्सरी को अच्छे तरीके से फवारे से ड्रेंच कर देंगे। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से हमारे नर्सरी में जड़ का विकास तेजी से होने लगता है, और नर्सरी को अच्छे से बढ़वार देने के लिए NPK का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम फिर से 16वें या 17वें दिन पर दोहराएंगे। दोस्तों, ये हमारा फूलगोभी का नर्सरी करीब 22 दिन का हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि ये कितना हरा भरा है, कितना घना है, और हमारा नर्सरी कितना स्वस्थ है। मैं आपको इसका रूट स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका रूट स्ट्रक्चर कितने अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है, और हमारा ये जो नर्सरी है अगले 3-4 दिन में खेत में रोपाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर हमारे नर्सरी में किसी भी तरह के कीट पतंगों का प्रकोप दिखाई देता है, तो हम नीम ऑयल या फिर नीम पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे।
नीम ऑयल और नीम पेस्टिसाइड से सभी तरह के कीट पतंगों के प्रकोप से बचा जा सकता है। नर्सरी तैयार होने तक हम इसमें किसी भी तरह के केमिकल, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम नर्सरी के इसी स्टेज में किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग करते हैं तो इसमें एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है, और जब हम अपने खेत में नर्सरी की रोपाई करते हैं तब काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े और फंगस जनित बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो चाहे वो हमारा फूलगोभी की नर्सरी हो या फिर किसी भी सब्जियों की नर्सरी हो, जितना संभव हो सके हम अगर ऑर्गेनिक तरीके से हम नर्सरी तैयार करते हैं तो आगे जाके हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बात का हमें ध्यान रखना होगा, नर्सरी को खेत में रोपाई करने के एक दिन पहले नर्सरी को ट्राइकोडर्मा या सीडोमोनास बायोफंगिसाइड सॉल्यूशन से अच्छे तरीके से ड्रेंचिंग कर देंगे, ताकि खेत में रोपाई करने के तुरंत बाद इसमें किसी भी तरह के जड़ संबंधी बीमारी या मिट्टी संबंधी बीमारी जैसे फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज से बचाया जा सके। दोस्तों, ये था फूलगोभी की नर्सरी तैयार करने के बारे में एक छोटा सा जानकारी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।